योगी सरकार विधायक मुख्तार अंसारी के गिरोह IS-191 के विरुद्ध अभियान चलाकर सिंडिकेट तोड़ने में जुटी हुई है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जनपदों में गिरोह को निशाने पर लिया। इसके अलावा मऊ में 49 करोड़ की संपत्ति से ज्यादा जब्त की गई। इस गिरोह से जुड़े एक अपराधियों, नामचीनों, सफेदपोशों, कोल माफियाओं, भू माफियाओं की कुंडली तैयार कर रही है। वही अभियान के तहत पहले ही गिरोह के शार्प शूटर और शूटरों को प्रशिक्षित करने वाले 1 लाख के इनामी हरकेश यादव, लालू यादव और 50,000 के इनामी राकेश पांडे उर्फ हनुमान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। वाराणसी जोन में अब तक मुख्तार गिरोह के फैले आर्थिक साम्राज्य को झटके पर झटका लगा। पूर्वांचल में अभी तक गिरोह को लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। 2007 से 2012 के बीच मायावती सरकार ने मुख्तार अंसारी गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें मछली व्यवसाय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हुई। एक बारगी में यह लगा था कि गैंग टूट गया, परंतु सपा सरकार आते ही एक बार फिर गिरोह जमकर फला फूला। गिरोह ने मऊ सहित पूर्वांचल में एक बार फिर सिक्का जमाया, जब योगी सरकार ने एक बार फिर मुख्तार गिरोह को निशाने पर लिया। अभी तक गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, वाराणसी सहित पूर्वांचल में PWD, जिला पंचायत और RES के ठेकों पर जहां मुख्तार गिरोह का सिक्का चलता था, तो कोयला व्यापार में भी गिरोह की जबरदस्त दखल थी। पुलिस प्रशासन सफेदपोशों, भूमाफियाओं और ठेकेदारों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में जुटा हुआ है। एक एक की अवैध संपत्ति की जांच हो रही है। इसमें पूर्वांचल के कई चर्चित ठेकेदारों से लेकर सफेदपोश शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत और RES के ठेकेदारों के संबंध खंगाले जा रहे हैं। हालांकि इसके पूर्व मछली व्यवसाय, अवैध बूचड़खाना, अवैध वसूली तथा शस्त्र लाइसेंस आदि पर धड़ाधड़ कार्रवाई हो चुकी है।